की वीडियो होने वाली है अनदर शीन हॉल एंड इट्स माय बर्थडे मंथ, तो ये सबसे बड़ा हॉल होगा अभी तक का शीन का सबसे बड़ा हॉल, और इस टाइम पे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मंगाई हैं जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हॉल गाइज, और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्रोडक्ट्स की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। अगर कुछ भी पसंद आता है इनमें से और आप चाहते हो कि बाय करो बट थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हो मेरा कोड 1kadriz10, यू विल गेट 10% का ऑफ अगर आप कुछ भी 1500 रुपीज से ऊपर की शॉपिंग करते हो। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि आई हैव टू बॉक्सेस एंड थोड़ी सी ठक ठक की आवाज़ आ रही है आपको, बिल्कुल घर के साथ कुछ चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या, मैं जाके नहीं देख सकती, बट हाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओके, सो विंटर्स ऑलमोस्ट जाने वाले हैं क्योंकि जनवरी का मिड चल रहा है इसलिए, और ये मेरा बर्थडे मंथ है, आई एम सो एक्साइटेड। बर्थडे बिल्कुल ही पास में आ चुका है, मतलब ये सोचो कि बस आ गया, तो मैंने कुछ चीज़ें उसके अकॉर्डिंग भी मंगवाई हैं कि अगर मुझे इसमें से कुछ पसंद आता है तो मैं पहन सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक स्वेटर टॉप लिया है, इट्स अ नियॉन इन कलर, एंड गाइस नो कि नियॉन बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल, ये बहुत ही प्यारा नियॉन कलर का स्वेटर है, ग्रीन इन नियॉन, और इसका जो नेक है वो थोड़ा सा डीप है, हल्का सा डीप है, बट ओके, इसके अंदर आपको डेफिनेटली कुछ पहनना पड़ेगा, बट आई थिंक अभी जो फरवरी की ठंड होती है, सुबह के टाइम होती है हल्की सी, उस टाइम के लिए ये स्वेटर बिल्कुल परफेक्ट है। ब्लैक के साथ बहुत अच्छे से यू नो स्टाइल करा जाए तो अच्छा लगेगा, और मेरे पास नियॉन में एक टी शर्ट थी, इसके अलावा अभी कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने ये नियॉन में ये नेक्स्ट स्वेटर पिक किया है। ओके, सो सबसे ज़्यादा इस टाइम में मेरा फेवरेट रहा है यू नो पूरे हॉल में, मैं कहूँगी अभी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पसंद आई हैं, बट मैंने जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया है इस टाइम पे वो ये यू नो ब्लैक कलर का कोट है, दिस ब्लैक कलर कोट कम ब्लेजर, आप देख सकते हो इसकी स्लीव्स मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी हैं, बट ओके, मैं फिर भी मैनेज कर लेती हूँ, मैंने इनको कुछ ऑल्टर वगैरह नहीं कराया, दिस इज हाउ इट लुक्स, ही काफ़ी वार्म है गाइज, इसे मैंने अपनी यू नो अवार्ड फंक्शन में भी वेयर किया है, काफ़ी जगह वेयर किया है, इसका फिट, इसका शेप, बिल्कुल साइज सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और मेरे को ब्लैक कलर का इस तरीके का कुछ यू नो कोट चाहिए था ताकि मैं अपने विंटर्स में काम ला सकूं। ऑलमोस्ट हर आउटफिट पे आपका चल जाता है, कुछ भी पहन रहे हो ऊपर से आप कोट डालो एंड यू आर इनफ कि हाँ भी बाहर जाने के लिए काफ़ी वार्म है। क्वालिटी में अगर बोलूँ तो अच्छी इसकी क्वालिटी है, पर हाँ धूल मिट्टी में अगर आप ज़्यादा बाहर जा रहे हो तो इस पर आपको वो स्टिक करेगी चीज़, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो बहुत स्मूथ नहीं है, ऐसा है जिससे कि आपका अगर बाल भी अगर निकलता है तो इसमें स्टिक कर सकता है, और इधर आपको दो फ्रंट में पॉकेट्स मिल रही हैं, बटन है एंड ऑल दैट, तो ये मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रहा है इस हॉल में क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे एक वाइट कलर का हाईनेक स्वेटर है इस तरीके से, इसे मैं दो बार वेयर कर चुकी हूँ तो ये गंदा भी हो गया है, ये ऑफ वाइट कलर में, नॉट एक्चुअली इन वाइट कलर, इसे मैंने अभी अपने रिसेंट एक शूट में भी वेयर किया था और मैं इसे अपने अवार्ड फंक्शन में भी पहन के गई थी क्योंकि काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था जो मैंने ड्रेस पहना था उसके साथ, और उस दिन ठंड भी बहुत थी, और ये काफ़ी वार्म है, सो फुल स्लीव्स का है बट इट्स नॉट अ फुल लेंथ, इट्स काइंड ऑफ अ मिड क्रॉप टॉप काइंड ऑफ अ स्वेटर, तो इस तरीके की कुछ लेंथ है, ओवरऑल इट इज़ नाइस, मुझे पसंद आया, सो इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। मेरा थर्ड है, मैंने वुलन में ऑब्वियसली लिया है क्योंकि सर्दी पूरी तरीके से नहीं गई है बट जाने वाली है तो मैंने ज़्यादा भी नहीं लिया। नेक्स्ट जो है वो एक कोऑर्डिनेट सेट है, वो यू नो एक स्कर्ट एंड एक ब्लेजर का कोऑर्डिनेट सेट है, दिस इज हाउ इट लुक्स, ये है ग्रीन चेक में स्कर्ट, स्कर्ट जो है वो मेरे को बहुत अच्छे से फिट आई, इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, यू गाइस कैन सी इस तरीके से कुछ साइड में जिप है, और इसे मैंने वेयर किया था अभी अवार्ड फंक्शन में विद माय दिस यू नो ऑफ वाइट शॉर्ट स्वेटर एंड दिस ब्लेजर के साथ, सो ये मुझे बहुत पसंद आई, आपको मैं इंसर्ट कर दूंगी पिक्चर, आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी है, तो इसका फैब्रिक है वगैरह भी बहुत अच्छा है, ये विंटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ आपको रिसीव होता है इस तरीके का ब्लेजर,
फैब्रिक की मैं बात करूँ, ये बहुत अच्छा है इसका फैब्रिक डिज़ाइन वगैरह, बट गाइज इसके स्लीव्स बहुत ज़्यादा बढ़िया, आप देख सकते हो मैंने इसे फोल्ड किया है, स्लीव्स बहुत बड़ी है एंड इसका जो फिट है वो स्ट्रेट लुक दे रहा है, मतलब इतना अच्छा इसका फिट नहीं आया मुझे, तो मैंने इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट सेट को एक साथ वेयर नहीं किया, मैं ब्लैक के साथ किया। जब आप ब्लेजर पहनते हो तो इस तरीके का कर्व आता है, आपको फिट अच्छा होता है तो अच्छा लगता है, बट ये बहुत ही फ्लैट आपको लुक दे रहा है, लूज सा, तो मुझे वो चीज़ इसमें अच्छी नहीं लगी, बट मैं इसको थोड़ा सा ऑल्टर करा लूँगी साइड से ताकि अच्छा लुक दे। आप साथ में नहीं तो इसको अलग अलग भी वेयर कर सकते हो, अपने जीन्स, अपनी टी शर्ट्स, अपने स्वेटर्स के साथ। नेक्स्ट मैंने वहाँ से ये शॉल ली है, मैं ऐसा शॉल ही बोलूँगी क्योंकि ये बहुत ही प्यारी मल्टी कलर की शॉल है, लुक एट दैट, वेरी वार्म गाइस, बहुत ही वार्म है ये, मैंने ली अपने लिए भी और अपनी मम्मी के लिए भी, और मुझे लग रहा है ये मैंने बहुत अच्छा पसंद किया है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये एज अ स्टॉल जैसे हम वेयर करते हैं उस तरीके का आएगा, बट नहीं, एक शॉल की तरीके से आया है एंड इसमें हम मल्टी कलर के चेक्स देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, नियॉन, पेस्टल, यू नो, बहुत सारे कलर्स हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से मफलर की तरीके से या फिर स्टॉल की तरीके से या फिर शॉल की तरीके से ले सकते हो, बहुत ही परफेक्ट रहेगा विंटर्स के लिए, अच्छा है ये, आप इसे आप काफ़ी तरीके से यू नो अपने मफलर शॉल को स्टाइल भी कर सकते हो, अगर आप देखते हो तो लुक करते हैं। नेक्स्ट मैंने एक लिया है पुल ओवर एंड जॉगर का सेट, मैं घर पे एक पहनती हूँ इस तरीके का, तो मुझे उसका फैब्रिक बहुत पसंद है, उसको पहनने के बाद लगता ही नहीं कि बाहर ठंड हो रही है, वो इतना वार्म है, पिंक इन कलर में है वो, तो मैंने ये यू नो पुल ओवर इस तरीके का ग्रेन कलर, इट्स अ क्रॉप टॉप, क्रॉप है काफ़ी और स्लीव्स फुल स्लीव्स का है, बहुत ही वार्म है ग्रेन कलर में गाइज, आई जस्ट लव्ड इट सो मच, ये बहुत ज़्यादा ही वार्म है, तो मैंने इसे अभी तक पहना नहीं, मैंने सोचा एक बार मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूं, देन मैं स्टार्ट करूं इसे पहनना, क्योंकि अभी भी दिल्ली में हल्की हल्की ठंड तो है, पर कब बढ़ जाए पता नहीं चलता, कब घट जाए वो भी नहीं पता चलता। इसके साथ जो जॉगर मुझे रिसीव हुए हैं वो इस तरीके से हैं, सेम है, कोऑर्डिनेट सेट है ये लुक्स, पर ये अभी भी मेरे लिए बड़ा है क्योंकि लेंथ जो होती है वहाँ शीन के कपड़ों की वो मेरे लिए बड़ी ही होती है, बहुत ही रेयर है कि ठीक आ जाए, तो वो सबकी बड़ी होती है फिट, मैं कहूँगी ठीक है। इनमें आपको पॉकेट्स भी मिल रहे हैं, अगर आप विंटर्स के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस तरीके का जो यू नो फर फैब्रिक वाला होता है उसमें इन्वेस्ट करो, बहुत ही अच्छा होता है, शीन का ही फर फैब्रिक बहुत अच्छा आता है मुझे लगता है। नेक्स्ट मैंने विंटर के लिए और क्या लिया है, मैंने एक और ब्लेजर लिया है जो कि टैंजरीन कलर में है, लाइक डल ऑरेंजी कलर में है एंड अगेन इसका जो फैब्रिक है वो ब्लैक से काफ़ी मिलता जुलता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट वेलवेटी फिनिश है इसका एंड इस पर भी आपकी जो डस्ट है वो बहुत जल्दी स्टिक होगी, दिस इज हाउ इट लुक्स, सी इस तरीके का है, बट पार्टीज़ वगैरह में, इवेंट्स वगैरह में अगर आपको जाना है विंटर्स टाइम में तो आई थिंक ये बहुत ही प्यारा पीस है उसके लिए, ब्लैक पेंट एंड ब्लैक कलर की आप किस कुछ भी डेनिम वगैरह के साथ स्टाइल करना चाहो तो इट्स अ वेरी प्रिटी कोट सी, जिसमें आपको पॉकेट्स भी मिल रहे हैं, नो इसमें आपको पॉकेट्स नहीं मिल रहे, सिर्फ पॉकेट का लुक मिल रहा है गाइस, सो इस तरीके का कुछ ये कोट है, ठीक है। नेक्स्ट विंटर्स के लिए आई थिंक मैंने इतनी शॉपिंग की है, अब जितनी भी चीज़ें मैंने पिक करी हैं वो अपने बर्थडे के लिए या फिर मैंने समर्स के लिए ली है। ओके तो नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो कंफर्टेबल जोन में है क्योंकि समर्स में कंफर्टेबल रहना मुझे पसंद है। सबसे पहले मैंने लिया है एक टॉप, बहुत ही प्यारा है, ओह माय गॉड मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये वाला, इतना ज़्यादा पसंद आया था, ये एक फ्लावर प्रिंटेड यू नो बेल स्लीव्स विद फ्रिल्स, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रिल है एंड इस तरीके का काम है, बेल स्लीव्स का है एंड इट्स वेरी शेयर, तो इसके अंदर ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसा पहनना पड़ेगा, ये पूरा शेयर है बट ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे इस तरीके का, तो मैं इसको डेफिनेटली वेयर करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे नहीं फॉलो करते हो तो मेक श्योर मुझे वहाँ पे फॉलो करा करो, क्योंकि मैं आउटफिट की डिटेल्स हमेशा वहाँ पे मेंशन करती हूँ कि मैंने कौन सा आउटफिट पहना है, तो मैं वहाँ पे पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है shystyles2109, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो चेक करो। फर्स्ट मैंने ये टॉप लिया है, काफ़ी सारे मैंने टॉप लिए हैं, शर्ट्स लिए हैं। ओके नेक्स्ट अगेन एक शर्ट है जो कि कुछ इस तरीके की है, चेन प्रिंटेड शर्ट है ये, शीन पे बहुत एक्सक्लूसिव थी तो इसलिए मैंने इसे चेक किया और आई थिंक ये प्यारी लग रही थी मुझे बहुत, क्रीम पे काफ़ी अच्छा ब्राउन एंड गोल्डन का वर्क दिया हुआ है, इट्स वेरी स्टाइलिश, समर के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, दिस इज हाउ इट लुक्स,
एंड ऑफिस वगैरह भी अगर आप वेयर कर ऑफिस वगैरह में अगर आपको वेयर करना है तो भी आप इस तरीके की शर्ट ले सकते हो। अगर आपको मेरा ये वाला शर्ट अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये भी शीन की है, मैंने लास्ट वीडियो में आई गेस शेयर किया था। ये सेटिन फैब्रिक है एंड ऑफ वाइट कलर है अगेन एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। लाइक सीरियसली पार्टी के लिए लिया था तो मैंने लुक अचीव किया उसमें मैंने इसको पहना। तो नेक्स्ट मैंने ये शर्ट ली है। नेक्स्ट जो है वो एक ड्रेस है, इट्स अ मिडी ड्रेस। कुछ याद आया आया ना मेरा टॉप? हाँ जी, तो मेरे पास सेम ऐसा सिमिलर सेम डिटो टॉप है। तो इस तरीके से आपको ड्रेस भी मिल रही थी, मैंने सोचा क्यों ना ड्रेस भी ली जाए। आप देख सकते हो नीलन तक की पूरी ड्रेस है ये। विंटर्स में भी आप पहन सकते हो, समर्स में भी आप पहन सकते हो, और बहुत लोगों को मेरा वो टॉप बहुत पसंद आया था। तो आप इस तरीके की ड्रेस भी ट्राई कर सकते हो, मल्टी कलर स्ट्राइप यू नो ड्रेस है एंड द फैब्रिक इज ऑल्सो नाइस, क्योंकि उस फैब्रिक में तो मुझे पता ही था कि हाँ ये फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो काफ़ी बार मैंने शीन पर देखा है कि जिस टाइप का आप यू नो क्रॉप टॉप या टॉप ले रहे हो उस तरीके की आपको ड्रेस भी उसी फैब्रिक में उसी डिज़ाइन में मिल जाती है, सो ग्रेट थिंग। ओके नेक्स्ट आई हैव दिस जम्प सूट जो कि चेक डिज़ाइन में है जम्प सूट, दिस इज हाउ इट लुक्स। शायद मैं ये ड्रेस अपने बर्थडे पर पहन लूँ, मे बी आई डोंट नो, बट या दिस इज हाउ इट लुक्स। ये बहुत ही सही है मेरे लिए जम्प सूट, इस तरीके से स्ट्रैप्स हैं। डोंट वरी अगर आप स्ट्रैप्स में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कुछ इस तरीके के यू नो टॉप के साथ क्रॉप टॉप अंदर ऐसे करके इसके ऊपर से इस तरीके की स्ट्रैपी ड्रेसेस या टॉप पहन सकते हो तो पूरा अच्छे से कवर रहता है उसके साथ। ओके तो या नेक्स्ट मैंने ये जम्प सूट लिया है, ये कॉटन फैब्रिक है, मैं आपको बता दूँ तो वॉश करने के बाद ये और सॉफ्ट हो जाएगा। ये हॉल बड़ा हो सकता है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं दिखाने के लिए, अभी तक का ये सबसे बड़ा हॉल है। नेक्स्ट आई हैव दिस फैगरी टॉप एंड इट्स ब्यूटिफुल, लुक एट दैट, इट्स अ वाइट इन कलर एंड ये लेस डिटेलिंग के साथ है गाइस, पूरा लेस डिटेलिंग है पूरे में। यहाँ पे फ्रंट में बटन डिटेलिंग दी हुई है एंड दिस इज़ जो फैंसी थिंग के लिए, एंड जो इसके स्ट्रैप्स हैं वो इलास्टिक वाले हैं तो ये फिट बहुत अच्छे से होंगे। दिस इज़ आउट लुक्स। और अगर आप यू नो कुछ ऐसा पहन रहे हो जिसके लिए अंदर आपको चाहिए, जैसे मैंने आपको ये टॉप दिखाया था इस तरीके का, तो उस इसमें ऐसा कुछ पहनने के लिए परफेक्ट है क्योंकि आपको अंदर कवर करने के लिए कुछ चाहिए। सो इट्स वेरी प्रिटी स्पेगेटी टॉप, आई जस्ट लव्ड इट सो मच। ओके नेक्स्ट 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 अमायरा के लिए दो ड्रेसेस पिक करी हैं मैं। हमेशा कभी भी शीन पे अगर कुछ लेती हूँ तो मैं अमायरा के लिए हमेशा देखती हूँ, क्योंकि यू गाइस नो मैं बिना अमायरा के कुछ भी नहीं सोचती, बाहर भी जाती तो भी मैं अमायरा के लिए हमेशा देखती हूँ। तो इस टाइम पे मैंने एक पार्टी वेयर ड्रेस अमायरा के लिए पिक करी है, सुंदर है बहुत, और अभी तक अमायरा ने इसको देखा नहीं है क्योंकि हमारा भी नानी के घर है, बस आज आने वाली है, जब तक ये हॉल जाएगा तब तक तो आ चुकी होगी। दिस इज़ हाउ इट लुक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, आप देख सकते हो इस तरीके की कुछ है जिसमें स्टार पूरे ऑल ओवर स्टार प्रिंटेड है, मेश का काम हो रखा है, फुल स्लीव्स की है। तो अभी भी विंटर्स में अगर मैं पहनाना चाहूँ तो भी पहना सकती हूँ, बट ये थोड़ी सी मैंने बड़ी ली है हमारे के लिए ताकि उसको और आगे काम आ जाए। साइजेस का थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लास्ट टाइम मैंने उसको सबसे छोटा साइज मंगाया था क्योंकि वो 3 मंथ्स की थी तो मुझे पता था, पर अब मुझे पता हो गया है कि हाँ वो साइज़ उसको कैसा आया है तो मैं उससे बड़े साइजेस मंगाती हूँ, 90 और 120 नंबर्स ऐसे साइजेस के होते हैं। दिस इज माई फर्स्ट ड्रेस जो मायरा के लिए पिक की थी। सेकेंड जो है वो एक कॉर्डिनेट सेट है। ओके तो ये है एक जींस इस तरीके की, ये रिब्ड है देखो, अब इसे हमारे के लिए इतनी फैंसी चीज़ें आने लग गई हैं, हमारे ज़माने में नहीं हुआ करती थी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक रिप जींस है, बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कमर के साथ थोड़ा सा पंगा होगा क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है हमारे के लिए अभी भी, बहुत ज़्यादा इसमें इलास्टिक नहीं दिया हुआ है, बट सी लेट्स सी कि हो सकता है पतली हो जाए कमर बच्चा अभी तो। एंड देन ये है फ्लावर प्रिंटेड टॉप, हॉजरी कॉटन मिक्स टॉप है, टॉप भी बहुत प्यारा है, पेपलम टॉप है एंड उसके कोऑर्डिनेट सेट में जीन्स है। तो ये दो ड्रेसेस मैंने अमायरा के लिए ली हैं। इसके अलावा मैंने अपने लिए और भी चीज़ें पिक करी हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे ये शर्ट, ओ माय गॉड लुक एट द शर्ट। आई नो ये समर अप्रोप्रिएट है, अभी बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है विंटर्स के लिए, बट मैंने बताया आपको कि मैंने समर्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं क्योंकि नेक्स्ट जो हॉल होगा वो मोस्ट प्रॉबली फेब या मार्च में ही आपको देखने को मिलेगा। दिस इज हाउ लुक्स, एक साइड प्लेन है वाइट, एक साइड ये ब्राइट येलो एंड ग्रीन लीफ का है। अगर आप यू नो गोवा वगैरह जा रहे हो, बीचेस पे जा रहे हो, दिस परफेक्ट परफेक्ट है उसके लिए।
और बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है. नेक्स्ट अगेन एक कोऑर्डिनेट सेट है ब्लेजर एंड पिंट का. एंड मैं सोच रही थी इसका जो फैब्रिक होगा वो थोड़ा हार्ड होगा यू नो, बट ऐसा नहीं है. ये हॉजरी काइंड ऑफ फैब्रिक है एंड इसके यू नो शोल्डर्स पे थोड़ा सा पफीनेस है एंड स्टिफनेस है थोड़ा शोल्डर को यू नो ऐसा दिखाने के लिए. ब्लेजर बहुत ही अच्छा आया मुझे, बहुत परफेक्टली ब्लेजर आया. पैंट जो है वो भी सुंदर है बट लूज है, लूज सॉरी साइज लंबा है इसका, तो मुझे इसको ऑर्डर कराना होगा. सो ये प्रिंटेड कोऑर्डिनेट सेट है, आई थिंक इस ब्लेजर इस वाली शर्ट के साथ अच्छा लगेगा, डोंट यू थिंक? ओके तो आप मुझे बताना, इसको मैं ऑर्डर कराऊंगी. तो ये कोऑर्डिनेट सेट है. नेक्स्ट एक ड्रेस ली है मैंने, पॉलका डॉट ड्रेस है ये, रेड इन कलर में. सो इट्स अ कोल्ड शोल्डर ड्रेस एंड मेरा जो साइज है इसमें वो है स्मॉल, इसमें मेरा साइज स्मॉल है. दिस इज हाउ लुक्स. और इसमें बटन है फ्रंट में, बटन डिटेलिंग दी हुई है एंड ये एक पूरी अच्छी यू नो काफ मसल्स तक की ड्रेस है और फ्रंट में इस तरीके का स्लिट है, तो मुझे प्यारी लग रही थी. इसके साथ आपको बेल्ट भी रिसीव होती है, ये समर्स में बहुत अच्छे से आप पहन सकते हो क्योंकि इसकी लेंथ अच्छी है, मुझे लेंथ इसकी अच्छी से आ रही है और फैब्रिक ऑल ओवर अच्छा है. कोल्ड शोल्डर है एंड आई लाइक कोल्ड शोल्डर ड्रेसेस. ओके नेक्स्ट है एक रेड इन कलर में. ओ माय गॉड, मैंने दो दो रेड ले लिए, वाह इस टाइम पे नाइस. नेक्स्ट जो है वो एक रेड कलर की शर्ट है. दिस इज हाउ इट लुक्स. ये बहुत लूज एंड बैगी बैगी से आपको दिख रही होगी क्योंकि इसमें आपको फ्रंट पे इस तरीके से स्ट्रिंग्स मिल रही हैं बेल्ट, जिससे कि आप इसे फिट कर सकते हो और ये ऐसी आएगी उसके बाद, आप देख रहे हो पीछे से फिर ऐसे हो जाएगा. तो मुझे ये अच्छी लग रही थी, ब्राइट रेड इन कलर में है एंड आई थिंक प्लेन डेनिम के साथ पहनो तो अच्छी जाएगी, तो इसलिए मैंने ये ले लिया. नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने एक और शर्ट ली है गाइज, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है. ये भी सैटिन फैब्रिक है एंड लुक एट द शर्ट गॉड. ब्लैक एक साइड पूरे में ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स हैं एंड एक साइड बहुत ही मल्टी कलर की आपकी बटरफ्लाइज हैं. बहुत अच्छी लग रही थी मुझे ये एंड अगेन मैंने लिया है इसको समर्स के लिए, बट हो सकता है मैं अपने बर्थडे पे वेयर कर लूँ. व्हाट डू यू थिंक? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं अपने बर्थडे पे क्या पहनूँ इनमें से कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप मुझे बताइएगा. मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको स्टाइल करके देखूँ. वैसे तो विंटर्स में हमेशा पड़ती है और उस दिन बारिश होती ही होती है जब मेरा बर्थडे होता है जिस दिन, बट मैं ट्राई करूँगी कि इसके अंदर कुछ पहन लूँ जिससे कि मुझे ठंड ना लगे. या दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये मेरी बहुत फेवरेट शर्ट है एंड डेफिनेटली आपको एक बार ये शर्ट ट्राई करनी चाहिए, एक बार जरूर ट्राई करके देखो, ये बहुत ही गॉर्जियस है. नेक्स्ट आई हैव ब्राइट येलो इन कलर का एक टॉप एंड दिस इज हाउ इट लुक्स अगेन समर के लिए. दिस इज हाउ इट लुक्स. तो मैंने यू गाइज नो कि मैं ऐसे टॉप्स नहीं पहनती हूँ, बट मैंने इसको इसलिए लिया जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऐसा कुछ भी अंदर ब्लैक कलर का या कोई भी कलर का आप ऐसे पहन सकते हो और उसके ऊपर से ऐसे स्ट्रैपी ड्रेसेस या टॉप्स पहन सकते हो जिससे कि कुछ भी यू नो एक्सपोज नहीं होगा. तो मैंने बस उसके लिए लिया है, थोड़ा साइज बड़ा लिया है. ये पीछे से बहुत स्ट्रेचेबल है और मेरा जो साइज़ इसमें लिया है वो लार्ज है क्योंकि मोस्टली जो कप साइज़ होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से फ्रंट से वो बहुत गंदा लगता है. मेरे पास ऑलरेडी एक ड्रेस थी तो मैंने आज तक कभी नहीं, तो इस टाइम मैंने जो लिया है इसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये सही आना चाहिए. डोंट यू थिंक? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ओह इस तरीके से कुछ है, मुझे नहीं पता, बट या नेक्स्ट एक और टॉप है. शीन हमेशा इस तरीके के पार्सल में आपको भेजता है. हाँ अगेन एक टॉप है, ये भी स्ट्रैपी है. इट्स अ पेपलम स्ट्रैप टॉप जो कि यू नो डस्टी रोज एंड वाइट फ्लावर प्रिंटेड है. फ्रंट पे इसकी बटन्स दी हुई हैं. अगेन मैं इसको इसी तरीके से वेयर करूँगी जैसे मैंने आपको बताया, या फिर इसके ऊपर आप श्रग ले सकते हो, या सेकेंड ऑप्शन श्रग भी है, या फिर मैश का कोई अंदर टॉप पहन लो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से पहन सकते हो. सो नेक्स्ट ये वाला टॉप मैंने लिया है, पैपलम, इट्स वेरी प्रिटी. नेक्स्ट आई हैव वेरी सिमिलर कलर का, वाओ इट्स वेरी सिमिलर कलर का एक और टॉप, पर इसमें पूरी नेट का काम है गाइज और इट्स वेरी शियर.
जब मैंने लिया था मैंने इस तरह एक्सपेक्ट नहीं किया था. परफेक्ट साइज़ है, लूज अच्छा है, फिटिंग बहुत अच्छी है, बट आई थिंक ये साइज़ स्मॉल है. मैं आपको बता दूँ पीछे इस तरीके से आपको यू नो नॉट की डिटेलिंग मिल रही है, तो आप अंदर पूरा एक न्यूड या ब्लैक कलर की स्पेगडी पहन लो जिससे कि आपका बैक भी ओपन ना लगे, क्योंकि इसका फ्रंट और बैक दोनों ही वी शेप में एंड डीप है. सी इट्स वेरी डीप. लेट्स सी मैं इसे कैसे पहनती हूँ. ओके नेक्स्ट एंड जो मेरा लास्ट क्लॉथिंग आइटम है वो इस तरीके का हर्शी कॉटन में एक टॉप है एंड ये बहुत ही प्यारा है. डार्क ब्लू इन कलर में है. स्लीव्स इसकी फुल स्लीव्स आपको मिल रही हैं, बट मिड लेंथ का ये टॉप है. इट्स नॉट अ क्रॉप टॉप, क्रॉप टॉप नहीं है, इस तरीके का कुछ है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इसमें फ्लावर हैं, छोटे छोटे फ्लावर के प्रिंट्स दिए हुए हैं एंड देन छोटे 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 पॉलका डॉट्स हैं. तो ऑल ओवर ये बहुत ही प्यारा है. विंटर्स में भी काम आएगा क्योंकि थोड़ा सा थिक है इसका मटेरियल. अभी भी मैं अगर अंदर पहन के इसके ऊपर कुछ और पहनती हूँ तो ये विंटर्स में बहुत अच्छे से काम आ जाएगा. आई थिंक ये मेरा लास्ट आइटम था क्लॉथिंग में. अब मूव ऑन करते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ. ओके तो नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो ये LED लाइट ली है, अल्फाबेट LED लाइट. तो इस तरीके की कुछ है. ये S में है. मैंने एक अपने व्लॉग नॉट व्लॉग या एक व्लॉग में शेयर किया था, जाके आप देख सकते हो. उसमें मैंने M नाम का मंगाया था, तो मैंने सोचा से इनकम्प्लीट क्यों रखें, M को S के साथ कंप्लीट कर देते हैं. तो मैंने इस टाइम पे S मंगाया है. मैंने Amazon से मंगाया था बट मुझे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी. छोटा था, उसकी लाइट का कलर डिफरेंट था. जो मेरे पास है उसका लाइट का कलर डिफरेंट है. Amazon वाला अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं लगा मुझे जितना मुझे ये लगा. तो मैंने S इस टाइम पे ये LED यहाँ पे आपको छोटी छोटी लाइट्स दिख रही हैं. सो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इसे कैसे डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही जल्दी, क्योंकि मैं भी खुद भी बहुत ही गर्ली वेट कर रही हूँ कि भाई कब कब मैं अपने रूम को डेकोरेट करूँगी. नेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको. आई थिंक मैं अपने बर्थडे पे इसको कैरी करूँ. ये है हार्ट शेप का वेलवेट स्लिंग बैग. इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइज. इसके अंदर है स्लिंग. इसमें आपको गोल्डन कलर की स्लिंग मिल रही है, चेन इस तरीके से, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यू नो बेरी कलर में वेलवेट फैब्रिक. मेरे नेल से बहुत मैच कर रहा है एंड परफेक्ट है. परफेक्ट साइज है. इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आपका फ़ोन वॉलेट वगैरह सब आ जाएगा. सो ये मैंने लिया है स्पेशली अपने बर्थडे के लिए. आई हैव नो आइडिया क्या आउटफिट होगा, बट हो सकता है स्लिंग बैग में कैरी करूँ क्योंकि मुझे पसंद आया. इसके अलावा एक और स्लिंग बैग है जो कि बहुत सुंदर है एंड दिस इज हार्ट लुक्स. सो ये एक बहुत ही क्लासी स्लिंग बैग है. इसमें इतना अच्छा स्पेस नहीं है, मतलब या मैं समटाइम्स अपना कैमरा भी यू नो जो स्मॉल कैनन G7 Mark II है उसको भी कैरी करती हूँ और फिर वॉलेट भी कैरी करती हूँ एंड देन फ़ोन भी कैरी करती हूँ. तो समटाइम्स इतने बड़े एक स्लिंग बैग में वो नहीं आता. दिस इज हार्ट लुक्स. उसका स्लिंग बहुत अच्छा है, मुझे इसका स्लिंग बहुत अच्छा लगा. लुक एट दैट, इसका स्लिंग बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है. सो इसके स्लिंग भी बहुत अच्छा है. लुक वाइज आई टोटली लव दिस. मैं इसे 10 out of 10 दूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. लेट्स सी अगर मैं कैमरा वा नहीं ले जा रही हूँ, वॉलेट और फ़ोन ले जा रही हूँ, तो उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है. सी तो मैंने ये दो बैग लिए हैं, दोनों में से कोई भी कैरी कर सकती हूँ मैं अपने बर्थडे वाले दिन. नेक्स्ट वन जो है वो एक हुप है. दोनों ही हुप हैं बट ये वाला जो हुप है ना वो मेरा बहुत फेवरेट है. ये 3 layer इस तरीके के हुप्स हैं. सो क्यूट, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एंड आई थिंक मैं अपने बर्थडे पे इसको वेयर करूँ क्योंकि मैंने जैसा बताया कि इट्स अ बर्थडे हॉल. तो आई हैव नो आइडिया, हो सकता है मैं शॉपिंग पे चली जाऊँ क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ी शॉपिंग लवर हूँ, तो हो सकता है मुझे नहीं समझ आए तो चली जाऊँ. नेक्स्ट जो है वो एक सेट है हुप्स का. ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हुप्स हैं. इसमें आपको 3 colors मिल रहे हैं, सिल्वर गोल्ड एंड रोज गोल्ड. रोज गोल्ड मैंने पहना था एंड ये जो हुप्स हैं आपको दिखाती हूँ. ये जो हुप्स हैं वो बहुत ही हल्के पतले एकदम तार जैसे हैं, बहुत ही क्लासी लुक देंगे. और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर आप कोई भी अपना पर्ल पसंद का कोई बीट्स कुछ भी डाल के उसको बड़ा सा हुप्स बना, उसको ईयरिंग बना सकते हो. कैसे वो मैं आपको डेफिनेटली किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ. और उसके साथ साथ आपको छोटे छोटे स्टड्स मिल रहे हैं रोज़ गोल्ड सिल्वर एंड गोल्ड में. तो और बहुत ही अफोर्डेबल, जस्ट 140 एंड आई थिंक टोटली वर्थ इट. क्योंकि इतना सस्ता आपको कहीं भी एक सिंगल हुक भी नहीं मिलता अगर आप अच्छी क्वालिटी एंड इतने पतले तो आपको नहीं मिलेंगे. तो यू शुड ट्राई दिस. तो नेक्स्ट आते हैं जो मैंने दो और अमेजिंग प्रोडक्ट लिए हैं इसमें, वो हैं आई लैशेज.
मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोज़ में सुना है कि शीन के लैशेस बहुत अच्छे होते हैं, और अगर आप कोई अच्छी लैशेस लेते हो पैक की मिलती है आपको 200 से लेके 350-375, बट एक लैश मिलती है आपको सिर्फ उसमें, और उसके अलावा भी वो उतनी ज़्यादा डिज़ाइंस आपको प्रोवाइड नहीं करते जितना आपको चाहिए। और शीन में ये वाला जो है 5 का सेट है, एंड सब में आपको बहुत ही प्यारी मिंक लैशेस मिल रही हैं, विस्पी है, सेक्सी, ग्लैम, आपको क्या नहीं मिल रहा है इसमें, इतने सारे स्टाइल्स मिल रहे हैं, एंड बहुत ही अच्छा थिक बैंड भी है इनका। देन यहाँ पे 10 का पेयर है लुक, और इनमें एक ही डिज़ाइन है, बट आई थिंक ये डिज़ाइन ऐसा है जो कि आपके सारे लुक्स पे चल जाएगा। सो मैंने सोचा कि मैं अपने बर्थडे पे ट्राई करूँगी, अगर कुछ तो मैं ज़रूर ले सकती हूँ, तो मैंने ये 2 लैशेस का सेट लिया है। एंड ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वेरी नाइस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे 2 क्लॉथिंग आइटम मैंने मिस कर दिए हैं, वो मुझे इंक्लूड करने हैं। तो नेक्स्ट जो है वो ये ब्लैक इन कलर का रिब्ड हाई नेक टॉप है। यू गाइज नो ब्लैक वाइट बेसिक्स हमेशा होने चाहिए आपके पास, आप बहुत तरीके से उनको स्टाइल कर सकते हो, तो ये बेसिक में है मेरा ब्लैक इन कलर में। ये टॉप है इस तरीके का, एक अच्छे खासे नेक का हाई नेक के साथ, इट्स अ रिब्ड टॉप, एंड दिस टाइम मैंने थोड़ा सा लूज लिया है ताकि मुझे फिट हो अच्छे से और मैं कंफर्टेबल रहूँ। मुझे टाइट टी शर्ट्स कम ही पसंद है, आई लाइक लूज टी शर्ट्स। नेक्स्ट जो है वो एक ब्लैक कलर की कुर्ती है, और मैंने अभी रिसेंट में से वेयर किया था, एंड मैं आपको बता दूँ इसमें साइज 1 साइज लिखा होता है, कई बार शीन में साइजेस ने मेंशन होते लिखा होता है 1 साइज, तो बहुत ही केयरफुली आपको ऑर्डर करना चाहिए। ये 1 साइज है, मैं अगर बोलूँ तो ये आ मुझे बहुत अच्छे से रहा है, बट ये मुझसे बड़ी साइज में अगर कोई लड़की है, लाइक उसकी हाइट 5'5" है, 5'6" है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड मुझसे मोटी उसके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत लूज है, मुझे बेल्ट के साथ इसको स्टाइल करना पड़ा, और नहीं तो मुझे इसे ऑल्टर कराना पड़ेगा। पर ये बहुत अच्छी यू नो कॉलर वेस्ट की बहुत अच्छी से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, यू गाइस कैन सी, एंड देन फ्रंट पे दिस इज़ अ रियली नाइस कुर्ती, आप इसे एज अ कुर्ती ले सकते हो, बहुत प्यारी लगेगी, बहुत ही प्यारी है, एंड जॉर्जेट इसका फैब्रिक है। तो ये 2 लास्ट आइटम मिस हो गए थे। नेक्स्ट जो है वो मैंने इस तरीके का कुछ लिया है, ये वॉल शेल्फ है, सो इसको आपको अटैच करना पड़ता है, मेरे पास ऑलरेडी एक और है तो मैंने एक और लिया, नेक्स्ट एक और मंगाऊंगी तो 3 हो जाएंगे वाइट इन कलर में। तो क्या नेक्स्ट आते हैं फन पार्ट पे, जो मैंने इस टाइम पे ट्राई किए हैं। तो गाइज मैंने सबसे पहले यहाँ पे हेयर एक्सटेंशंस नहीं कहूँगी, मैं इसे विग कहूँगी, मैं यहाँ पे पिक्चर दे दूँगी, मैंने ट्राई किया था, दिस इज़ हाउ इट लुक्स, ये विग है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो मेरे बालों का कलर और इसके बालों का कलर अगर आप देखते हो, बस मेरे में थोड़े से हाईलाइट ज़्यादा हैं और अदरवाइज़ बहुत सिमिलर है, ऊपर से थोड़ा सा लाइट ब्राउन, लाइट डार्क ब्राउन, एंड देन नीचे आते आते लाइट ब्राउन हो जाते हैं, सो बहुत मैच कर रहा था कलर, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल, और फ्रंट में इसमें बैंग्स हैं। तो मैंने ट्राई किया है इसको, मुझे अच्छा लग रहा है, पर मुझे विक्स पता नहीं कैसे पहनते हैं, ज़्यादा आइडिया नहीं है, इनके साथ थोड़े से यू नो क्लिप ऑन स्टिक्स भी आ रहे हैं ताकि आप चाहो तो पहन सको। सी अभी तो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आपको, अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, मैं इसको डेफिनेटली अच्छे से करूँगी स्टाइल। अच्छा इसका हेयर लेंथ मेरे बालों से छोटा है, सो ये बहुत ही सुंदर विग है, मेरे पे कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा। मैंने इनको इसलिए मंगाया ताकि मैं कभी कोई मेकअप लुक करूँ तो उसके साथ कर सकूँ, पर अच्छी लग रही है, अच्छा लगा मुझे मतलब ये वाला। एंड नेक्स्ट जो विग है वो भी बहुत सुंदर विग है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो तो मेरी फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है वो, मुझे इसके लिए ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा, डोंट यू थिंक, ओह माय गॉड, ओके सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो नेक्स्ट मैंने ये विग ट्राई की है, इसके अलावा मैंने एक ये फ्लोर मैट लिया है, रग लिया है, जो कि ब्राउन इन कलर में है, थोड़ा बड़ा साइज का, अपने बेड साइड के लिए, इवन प्रोडक्ट्स की इमेजेस वगैरह के लिए, तो इट्स वेरी प्रिटी रग। मेरे पास 2 ऑलरेडी रग्स जो हैं वो शीन के ही हैं और दे आर रियली गुड इन क्वालिटी। ओके तो ऑलमोस्ट ये हॉल एंड होने वाला है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 फुटवेयर्स हैं जो मैंने शीन से इस टाइम पे पिक करी हैं,
दिखा देती हूँ मैं आपको। इसमें मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट जो है वो भी दिखाऊंगी। एक ये ब्लैक कलर की है एवरीडे के लिए, इट्स ब्लैक कलर की, देखिए इस तरीके की कुछ है। और इसकी जो हील हाइट है वो बिल्कुल फ्लैट फॉर्म है ये, तो मुझे लगा कि एवरीडे के लिए अच्छी है। मैंने नेक्स्ट ये पिक किया है शीन से। इसके अलावा माय फेवरेट आई थिंक इट्स इज किटन हील्स, लुक एट दैट, इट्स अ पम जहाँ पे आपको ये बो मिल रहा है। ये एक सैटिन फैब्रिक है, आप देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर है इसका फैब्रिक एंड हील हाइट। इट्स अ ब्यूटिफुल गाइज, इट्स माई फेवरेट वन एंड आई थिंक आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए पार्टीज के लिए। इट्स अ प्रिटी प्रिटी हील्स। नेक्स्ट एंड जो लास्ट हील्स हैं वो ये क्रिस क्रॉस यू नो ब्लॉक हील्स हैं, इस तरीके की मैट वेलवेट एंड देन यहाँ पे जो स्ट्रैप्स आपको मिल रही हैं वो क्रिस क्रॉस हैं। तो ये नेक्स्ट है। मेरी जो साइजेस होते हैं ओपन में हमेशा 36 एंड बेलीज या पम्स में हमेशा मैं 37 पिक करती हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये मुझे कुछ इस तरीके से रिसीव हुई थी। सो ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट है जो मैंने शीन से पिक किया था। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस शीन हॉल। आई होप आपको ये मेरा बर्थडे शीन हॉल स्लैश ह्यूज शीन हॉल पसंद आया होगा। कौन से प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए, विग्स, सैंडल, लैशेज या फिर होम डिकॉर या फिर क्लॉथिंग आइटम, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। यू कैन यूज़ माई कोड 1kadris10 जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट अगर आप कुछ भी यूज बाई करते हो 1500 rupees से ऊपर का। ओके तो आपको मुझे ये भी बताना है कि मैं कौन सा यू नो ड्रेस अपने बर्थडे पे वेयर करूँ। बहुत सारे ऑब्वियसली आएंगे कॉमेंट्स, तो उसमें से मैं एक ज़रूर पिक करूँगी। या यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, नीचे लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।